Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. रामकाज के लिए अक्षय कुमार ने चंदा देकर कहा, अब बारी हमारी है। सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों से भी की अपील। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है। ऐसे में देश भर से लोगों से चंदा लिया जा रहा है, जो एक अभियान के तौर पर चल रहा है। इसी निधि संपन्न अभियान में बॉलीवुड के संभवतः पहली भागीदारी देते हुए अक्षय कुमार ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें वे देशवासियों से राम मंदिर के लिए चंदा देने की अपील कर रहे हैं। हालांकि अक्षय ने कितना चंदा दिया इस बात का खुलासा नहीं किया है। अक्षय ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, बहुत खुशी की बात है कि अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। अब योगदान की बारी हमारी है। मैंने शुरुआत कर दी है, उम्मीद है आप भी साथ जुड़ेंगे। जय सिया राम। वीडियो में अक्षय ने बताया कि वे अपनी बेटी को राम सेतु निर्माण में गिलहरी के योगदान की कहानी सुना रहे थे। उसी कहानी की तरह उन्होंने देशवासियों से गिलहरी और वानर बनने की अपील भी की है। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने का अभियान 14 जनवरी से शुरू हुआ है। कल रात मैं अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा था, आप सुनेंगे। तो जी, ऐसा था कि एक तरफ वानरों की सेना थी और दूसरी तरफ थी लंका, और दोनों के बीच में महासमुद्र। अब वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रही थी, राम सेतु का निर्माण कर सीता मैया को वापस जो लाना था। प्रभु श्री राम किनारे पर खड़े सब कुछ देख रहे थे, तभी उनकी नजर पड़ी एक गिलहरी पर। गिलहरी जो थी वो पानी में जाती, फिर किनारे पर आती, रेत में लौट जाती थी, फिर राम सेतु के पत्थरों की ओर फिर भागती, फिर से पानी में जाती, फिर रेत में, फिर पत्थरों। राम जी को आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है। वो गिलहरी के पास गए, पूछा, तुम गिलहरी कर क्या रही हो? गिलहरी ने जवाब दिया कि मैं अपने शरीर को गीला करती हूँ, उस पर रेत लपेटती हूँ और पत्थरों के बीच की जो दरारें हैं उसको भरती हूँ। राम सेतु के निर्माण में मैं भी अपना छोटा सा योगदान दे रही हूँ। आज बारी हमारी, अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने। मैं खुद करता हूं शुरुआत, मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस भव्य मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन और संदेश पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। जय श्री राम।